guys, welcome back to my channel and a very good morning to all of you from wherever you are watching this video. It's Saturday and again I'm going on a ride for this Saturday weekend. मतलब मोटरसाइकिल पे नहीं जाने वाला हूँ, बाइसाइकिल पे जाने वाला हूँ. सो लास्ट टाइम मैंने बाइसाइकिल पे ऑलमोस्ट किया था 61 or 65 किलोमीटर. सो दिस विल बी माई मेडन, दैट इज़ द माई फर्स्ट सेंचुरी प्लस बाइसाइकिल राइड. सेंचुरी प्लस मतलब मैं आई एम गोइंग 100+ किलोमीटर्स. मतलब मैं ट्राई करूँगा कि मिनिमम तो 100 तो मुझे करना ही है किलोमीटर्स कवर. अगर 100+ हो सके, मतलब 60-65 वन साइड और रिटर्न उतना ही, तो मतलब 110-120 के आसपास किलोमीटर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा कल. ये राइड के लिए, मतलब बाइसिकल राइड के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ. मतलब मतलब मैं तो व्लॉगिंग करने वाला हूँ, तो कल के मोटर मतलब बाइसिकल राइड का वीडियो संडे शाम तक या फिर संडे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून या फिर इवनिंग तक मैं लाइव करने की कोशिश करूँगा. सो उसी के लिए मुझे मेरा जो गोप्रो है, ये गोप्रो वो मुझे मेरे इस साइकिलिंग हेलमेट पे माउंट करना है. तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं माउंट कहाँ पे कर सकता हूँ ये हेलमेट पे. मोस्टली मतलब मैंने वीडियोस देखे तो, अरे यार निकल पा, हाँ ये जो माउंट है मुझे यहाँ पे सेंटर में कहीं, तो नहीं तो फिर फ्रंट में यहीं पर ऐसा किधर तो माउंट करना पड़ेगा. सो देखते हैं अभी कहाँ पर माउंट करता हूँ वो. और मुझे साइकिलिंग ग्लव्स भी लेने हैं, वो मैं ऑफिस के बाद शाम को डीकैथलॉन से या फिर कोई भी अच्छे से स्पोर्ट्स शॉप से मैं जाके वो साइकिलिंग ग्लव्स ले लूँगा. क्योंकि मैंने जो डीकैथलॉन से लिए थे एक 4-5 महीने पहले, वो अभी लूज़ हो गए. मतलब बहुत जो उसका इलास्टिक रहता है यहाँ पे फ्रिस पे टाइट होने के लिए, वो बहुत लूज़ हो चुका है. सो दैट्स वाई आई नीड अ सिंगल पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर द साइकिलिंग. एंड आई विल बी यूजिंग द चेस्ट माउंट फॉर द गोप्रो. मतलब कभी मैं हेलमेट पे गोप्रो माउंट करूँगा या फिर कभी मैं चेस्ट माउंट, जैसे कि ये मेरा चेस्ट माउंट मैंने लास्ट मेरे साइकिलिंग वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, तो वो मैं चेस्ट माउंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं गोप्रो लगा सकता हूँ. तो मतलब वो भी व्यू अच्छा आता है और हेलमेट के ऊपर से व्यू तो अच्छा आने वाला है. तो ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रिपरेशन मुझे करने हैं. तो रूट का तो मैंने अभी तक फिक्स नहीं किया. मतलब दिमाग में दो रूट है, आइदर धुले हाईवे या फिर औरंगाबाद हाईवे. बस ये दोनों में से मैं कल सुबह ही फिक्स करूँगा कि कहाँ पे निकलना है. मतलब जैसे मैं यहाँ से मेरे घर से निकलूँगा, देन आई विल टेक अ कॉल कि मैं कौन सा रूट लेने वाला हूँ. सो ये कुछ ऐसा मैंने माउंट किया है गोप्रो हीरो 7. माउंट मैंने फ्रंट पे ही लगा दिया क्योंकि बीच में यहाँ पे जो जगह है तो यहाँ पे प्रॉपरली वो स्टिक नहीं हो रहा था. तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर दैट आई स्टिक द माउंट इन द फ्रंट. एंड ये कुछ ऐसे लग रहा है, सही लग रहा है सेटअप, एक नंबर. लेट मी जस्ट वेयर इट, पहन के देखता हूँ कि ये कैसे दिखेगा. आई कैन शो यू गाइस. हाँ, ये साइकिलिंग का हेलमेट है, सब पीछे से टाइट करना होता है. सो थोड़ा हैवी हो रहा है हेलमेट. हैवी है क्योंकि एक प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि ये मैंने आगे लगाया ना, तो यू कैन सी अगर ये नॉर्मल पोजीशन है हेलमेट का जब मैं पहनता हूँ, लेकिन ये जब मैं पीछे से छोड़ देता हूँ, दिस इज़ कमिंग इन फ्रंट बिकॉज द वेट ऑफ द कैमरा इज़ पुलिंग इट इन द फ्रंट साइड. सो ठीक है, अभी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. ये तो ये देखो, आई हैव ऑल दिस माउंट्स फॉर द गोप्रो. मतलब मैं हेलमेट पे भी लगा सकता हूँ, बाइक पे भी लगा सकता हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक जो मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं यहाँ पे भी एक माउंट लगा ही देता हूँ सेफ साइड के लिए. अगर ये, अगर मैं आगे कैमरा माउंट करता हूँ, अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहा कल साइकिल चलाते वक्त, तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो इसलिए इट्स बेटर आई पुट एन एक्स्ट्रा माउंट ओवर हियर. सो अभी ये कुछ माउंट और इस पर ये टेप लगाना पड़ेगा. ये वाला टेप जाएगा इसके ऊपर. सो आपको मैं कल ही मिलता हूँ डायरेक्टली बाइसिकल पे. बाय बाय.
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो आई हैव स्टार्टेड माय बाइसिकल राइड नियर अबाउट 6:30. 6:30 बजे मैं घर से निकल गया था एंड राइट नाउ आई हैव डन ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर्स. आई एम नियर चांदवड़. सो आई थिंक चांदवड़ इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. ज़्यादा दूर नहीं है. सो चांदवड़ तक जाना था लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टॉप हियर. ऐसा मतलब ये बस लेन जो होती है हाईवे पे, जो बस लेन होती है मैं वहाँ पे रुका हूँ. एक्चुअली मैं 50 किलोमीटर्स होने के बाद आगे रुकने वाला था लेकिन मुझे कैसे तो भी मतलब एक वोमिटिंग जैसा फीलिंग होने लगा. सो इसलिए आई डिसाइडेड दैट इट्स बेटर टू स्टॉप ओवर हियर एंड टेक सम रेस्ट. सो जस्ट अभी पानी के बॉटल में एक पाउच इलेक्ट्रोल पाउडर मिक्स किया. वोमिटिंग जैसा फील क्यों होने लगा क्योंकि मैं सुबह कुछ खा के नहीं निकला. मैंने बस एप्पल साइडर विनेगर पिया था एक गिलास पानी में एंड आई थिंक एक या दो बिस्किट्स खाए होंगे. बस उतना ही मैं खा के निकला था. सो बिकॉज ऑफ दैट एम्प्टी स्टमक मे बी उसी के कारण थोड़ा फटीक फील हुआ होगा. नथिंग टू वरी अबाउट दैट. आई एम ओके नाउ. मतलब और 10-15-20 मिनट में यहाँ पे रेस्ट करूँगा देन वापस रिटर्न जर्नी. यही रूट क्यों चुना मेरे 100 किलोमीटर्स राइड के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ. मतलब मैं काफ़ी दिनों से साइकिलिंग कर रहा हूँ. सो मैंने डिसाइड किया कि ये सैटरडे नहीं तो संडे को मैं एक सेंचुरी प्लस राइड मतलब 100+ किलोमीटर्स राइड प्लान करूँगा. प्लान भी किया और फॉर्चुनेटली लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने मतलब एक फेसबुक पेज पे मैंने टीम ई थ्री का मैंने पेज देखा एंड जब मैंने वो पेज गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि दैट पेज इज़ अबाउट साइकिलिंग रनिंग एंड स्विमिंग थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड विच एवर यू आर फॉलोइंग यू कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स पोस्टेड बाय द टीम ई थ्री. रजिस्टर किया एंड मैं अभी मेम्बर हूँ टीम ई थ्री का एंड उसके इवेंट्स में मैंने देखा कि ये 20 और 21 मतलब आइदर सैटरडे और संडे जैसे भी आपको पॉसिबल है यू 100 किलोमीटर बाइसिकल राइड. एंड देन उनके वेबसाइट पे जाके इवेंट्स पेज पे देखा कि 100 किलोमीटर राइड का इवेंट ओपन है. सो आई रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट एंड देन अगर ये इवेंट कोई भी एक दिन में मतलब सैटरडे या फिर संडे एक दिन में कोई 100 किलोमीटर्स कंप्लीट करके उनके रिकॉर्ड सबमिट करता है टीम E3 को देन दे विल प्रोवाइड अस द ई सर्टिफिकेट अ मेडल एंड अ ट्रॉफी. आई थिंक मतलब सर्टिफिकेट और मेडल तो फिक्स है. ट्रॉफी का आई डोंट नो. आई विल हैव टू चेक. सो व्हाट आई विल डू इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ मेम्बर ऑफ दिस टीम E3 you can check the link. I will put the team E3 website link in the description box so that you can check it. मतलब ऐसा नहीं कि ये इवेंट है इसलिए मैं ये राइड प्लान किया. ये राइड मैंने पहले ही प्लान किया था और देन बाद में मुझे इस ग्रुप के बारे में पता चला. सो इट्स अच्छा है कि जो मैं कर रहा हूँ if I am getting a reward for this kind of ride, so it's always good. मेरे पास तीन ऑप्शंस थे मतलब तीन रूट्स थे. एक तो त्र्यंबक रोड मतलब त्र्यंबकेश्वर रोड, दूसरा है औरंगाबाद हाईवे एंड तीसरा है ये धुले हाईवे. सो मैंने धुले हाईवे चूज़ किया. क्यों? क्योंकि मैं ये हाईवे से बहुत बार जा चुका हूँ बाइक से कार से. सो मुझे पता है कि कहाँ पे पेट्रोल पंप्स है जहाँ पे मैं ब्रेक ले सकता हूँ अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो. अगर साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है अगर टायर पंक्चर होता है या फिर चेन का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर साइकिल का कोई भी प्रॉब्लम तो आई नो कि रोड मतलब ये हाईवे पे चांदवड़ तक कहाँ कहाँ पे ऐसे टायर के शॉप से या फिर मोटरसाइकिल या फिर बाइसिकल रिपेयर के शॉप से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई कैन टेक माई साइकिल ओवर देयर. मतलब कोई भी रिक्शा से मैं वहाँ पे ले जा सकता हूँ या फिर ट्रैक्टर्स तो ऐसे आते जाते रहते. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो इसलिए आई चूज़ दिस रूट. एंड मैं औरंगाबाद हाईवे भी लेने वाला था लेकिन वो हाईवे पे मतलब इतना अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए साइकिल को तो वहाँ पे वो हाईवे पे इतने मतलब शॉप्स नहीं है अवेलेबल. एंड त्र्यंबक रोड मुझे नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पे बहुत इंक्लिनेशन है. सो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिस इज़ माई मेडन सेंचुरी राइड. सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेंचुरी राइड प्लान करता हूँ सो मैं त्र्यंबक रोड ले सकता हूँ या फिर औरंगाबाद रोड, यू नेवर नो. एंड यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है क्योंकि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रक्स आने जाने का बहुत है ये हाईवे पे.
सो दिस इज़ अ बिजी हाईवे सो एंड दिस इज़ ऑल्सो सेफ, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं घर पे कॉल कर सकता हूँ मेरे फ्रेंड को या फिर मेरे डैड को कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है मुझे लेने को आ जाओ, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं अब तक. साइकिल इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड, मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है. पापा मिलाया था और ये अंडे. जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव बिस्किट्स बट मेरी खाने की इच्छा नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी रैपिंग ऑल दिस स्टफ इन द बैग एंड विल लीव अबाउट इन 5 to 10 minutes. आई हैव टू कम्प्लीट दोज 2 or 2.5 kilometers टू मेक इट अप 50 एंड देन आई विल टेक अ यू टर्न टूवर्ड्स नासिक. सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोना व्लॉग इन बिटवीन और नॉट, सो ठीक है जब भी रुकूँगा मिलते. I'm at Pimpal Gao Toll Plaza right now. कुछ 70-72 kilometers हो गए, so more 30 kilometers to reach my milestone and उसमें और 5-10 kilometers ऐड कर दो मेरे घर तक पहुँचने के लिए. मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली GoPro से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जान पे आ गया है. वापस ट्राईपॉड निकालो, माइक सेटअप करो, एडाप्टर लगाओ, सो इट्स अ बिग हेडेक. आई लीव फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स है और बहुत लोग हॉर्न बजा रहे, क्योंकि अभी तक पता नहीं सबने फास्टैग लगाया है कि नहीं, तो उसके कारण कैश देने में टाइम चला जाता है और यहाँ पे ट्रैफिक हो गई है टोल प्लाजा पे. About to reach 100 kilometer mark, 99.9 kilometer complete कर दिए मैंने. I'm not sure if my audio has been captured properly or not because I have mounted the GoPro on the chest mount. You cannot see the console, but I will post the screenshot and yes, I have successfully completed the 100 kilometer mark. मेरी सांस पूरी फूल गई है इसलिए मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आएगा.